लोकसभा चुनाव 2024 खत्म होने के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में रविवार 9 जून को शपथ ले चुके हैं। साथ ही शपथ ग्रहण के अगले दिन यानी सोमवार 10 जून को सभी मंत्रियों के मंत्रालय भी बांट दिए गए हैं। कुल मिलाकर सरकार ने अपना काम शुरू कर दिया है। अब सभी की निगाहें लोकसभा स्पीकर के चुनाव पर टिकी हुई हैं, जिसको लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा। 27 जून को संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति संबोधित करेगी, यानी कि राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। इससे पहले सभी नवनिर्वाचित लोकसभा सांसदों को शपथ दिलाने के साथ ही नए स्पीकर को भी चुना जाएगा। 24 और 25 जून को प्रोटेम स्पीकर नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष का पद तमाम कयासों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपने पास ही रखने जा रही है। इसका मतलब साफ साफ है कि 18वीं लोकसभा में भी बीजेपी का ही कोई सांसद लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाएगा। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने मीडिया में आ रही खबरों को खारिज करते हुए बताया कि किसी भी सहयोगी दल की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष के पद को लेकर कोई मांग नहीं आई है। बीजेपी जल्द ही पहले पार्टी के स्तर पर विचार करेगी और पार्टी की ओर से नाम पर फैसला किए जाने के बाद एनडीए के सहयोगी दलों के साथ भी विचार विमर्श कर उस नाम पर सर्वसम्मति बनाई जाएगी। मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल में इंदौर मध्य प्रदेश से बीजेपी की लोकसभा सांसद रही सुमित्रा महाजन को, वहीं दूसरे कार्यकाल में कोटा राजस्थान से बीजेपी सांसद ओम बिड़ला को लोकसभा अध्यक्ष चुना था। लेकिन इस बार तीसरे कार्यकाल में बीजेपी के पास 2014 और 2019 की तरह लोकसभा में बहुमत नहीं है, इसलिए कयास लगाया जा रहा है कि टीडीपी लोकसभा के अध्यक्ष का पद मांग सकती है। वैसे इस खबर का खंडन हो चुका है कि टीडीपी ऐसा कुछ करने वाली नहीं है। कई जगह तो जेडीयू से भी लोकसभा का अध्यक्ष चुने जाने की बातें सामने आई, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने इन खबरों को महज अटकलें बताते हुए खारिज कर दिया। सूत्रों की बातों पर यकीन करें तो प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद लोकसभा के नए अध्यक्ष के नाम पर विचार विमर्श किया जाएगा। बीजेपी पहले पार्टी के स्तर पर लोकसभा के भावी अध्यक्ष का नाम तय करेगी, इसके बाद सहयोगी दलों के साथ उस नाम पर विचार विमर्श किया जाएगा। अगर सहयोगी दल की तरफ से कोई सुझाव या मांग आती है तो बीजेपी फिर नए फॉर्मूले से विचार करेगी। 24 जून से शुरू होने जा रहे 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दौरान बीजेपी अपनी पार्टी के किसी सांसद के नाम को लेकर विपक्षी दलों से संपर्क साध सकती हैं, ताकि अध्यक्ष के नाम पर आम सहमति बन सके। अगर सरकार के प्रस्ताव को विपक्षी दल अस्वीकार कर देते हैं तो ऐसे में चुनाव की नौबत तो नहीं आएगी, लेकिन अगर विपक्ष अपनी तरफ से उम्मीदवार खड़ा करता है तो 26 जून को लोकसभा में नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान होने की संभावना बन सकती है। दोनों ही सूरत में लोकसभा के नए अध्यक्ष 26 जून को ही चुने जाएंगे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद सत्र की तारीखों की घोषणा करते हुए बुधवार को ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि नव निर्वाचित सदस्यों की शपथ, अध्यक्ष के चुनाव, राष्ट्रपति के अभिभाषण और उस पर चर्चा के लिए 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक बुलाया जा रहा है। वहीं राज्यसभा का 264वां सत्र 27 जून को शुरू होगा और 3 जुलाई को समाप्त होगा। बहरहाल एनडीए 3.0 में जो संभावनाएं बन रही है वो इसी ओर इशारा कर रही है कि कमोबेश लोकसभा में स्पीकर बीजेपी का ही कोई सांसद बनेगा।